दो बातें हैं, दो बातें हैं जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 रुपया कैश और 2.5 लाख रुपया बिल्डिंग, बोले जनरल एंट्री बिल्डिंग यहाँ से बिल्डिंग। सिर्फ ये बताएं करें इनमें से एक्ट कौन सा हो रहा है, इन पांच में से कौन सी एक्टिविटी होगी। कैपिटल, शाबाश, कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, कैपिटल चेक करें यहाँ पे अगर बढ़ रहे तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक हो गया। हाँ बेटा कैपिटल को मैं कह रहा हूँ लिख देता हूँ पहले से ही आपकी समझने के लिए कि कैपिटल अमाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है, किन किन बातों से डेबिट हो रहा है, दो बातों से, दो चीजें हैं, दो एसेट हैं। कैश एसेट होता है, एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम कैश अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, कोई मसला क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है, कैश जब बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद आपके पास बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग भी बिजनेस में आ रही है, जी तो एसेट है आपका, ठीक है। हम बिजनेस में बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं, 2,50,000 रुपए की बिल्डिंग है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करें 2,50,000 कितना बना टोटल, 3 लाख बन गया, 2,50,000, तो टोटल कैपिटल फिर कितना हुआ। आपसे कोई पता पूछे कि बिजनेस कितने में स्टार्ट हुआ, अब ये बताइए 3 लाख पहले क्या कर दिया, अब 2.5 लाख की बिल्डिंग ली थी, 50,000 तक हमारे पास कैश में मौजूद है, तो बिजनेस कितने में स्टार्ट हुआ, 3 लाख। कैपिटल ये नहीं बताता कि है क्या क्या, कैपिटल बिजनेस में ये बताता कि नहीं जब बिजनेस शुरू किया गया तो उसमें हम कितना तकरीबन हमारी पैसों की शक्ल में उसको हम जो कन्वर्ट करते हैं। अकाउंटिंग का एक असूल है जिसको हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आइडिया है उसका। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हर बात को हम पैसों में सोचते हैं। आप जमीन को वैसे तो एकड़ों में वर्णों में नापते हैं, लेकिन जो आपका है अकाउंटिंग में हम उसको बोलते हैं पैसे में, जमीन इतने की थी, कैश इतने का अपना, बिल्डिंग इतने की थी, कंप्यूटर इतने का था, वगैरह वगैरह, हर बात को आप बोलते किस में हो, पैसे में। तो जिसको पैसे में नहीं बोल सकते उसको अकाउंटिंग में कार्ड नहीं दिया जाता, ट्रांजेक्शन जो है ना लेना देना, कोई भी ट्रांजेक्शन है हम उसको रिकॉर्ड कब करते हैं, जब उसको पैसों में बोला जा सके। मैंने आपको कहा कि फलाना बंदा बहुत नेक है, अकाउंटिंग में तो नहीं रिकॉर्ड हो सकता कितना नेक है, कितने हालात में नेक है, तो वो हम उसको डिफाइन इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो आपका ये है पहली एंट्री, असूल को सामने रखना है, मेरे पास दो एसेट आए हैं, वो मेरे पास पहले नहीं थे, मैंने वो डेबिट कर दिया, मेरे पास कैपिटल आया, मेरे पास पहले नहीं था, वो बढ़ रहा है, असूल ये कहता है उसको क्रेडिट करो, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी फिगर आ जाए, कानून तो एक ही रहना है, क्योंकि बिजनेस में कैश और बिल्डिंग आ रही है, 50,000 और 2.5 लाख की जगह आप यहाँ पे ग्रो कर दें, अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट हो गए, अगर वो कम हो रहे हैं तो क्या होंगे, जी अगली एंट्री, चीजें खरीदी हैं जी कैश के साथ 25,000 की और 20,000 की असलम से, चीजें खरीदनी हैं, बिजनेस में चीजें आ रही हैं, आएंगी तो बेचोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्सपेंस बोलते हैं, एक्सपेंस बोलो या एसेट बोलो, बिहेवियर सेम है। तो परचेज हो रही है, परचेज आपके पास आ रही है, तो परचेज को क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे, ऐसे है ना। कितने की आ रही है, 45,000 की, 25,000 की आपने पैसों से खरीदी है, 20,000 की आपने असलम से खरीदी है, तो 45,000 की टोटल आपकी क्या बन गई, परचेज बन गई। अब ये तो क्या इसका डेबिट है, हमारे पास जो है वो 45,000 की चीजें आ गई, इसे सवाल यह है कि हमारे 11,000 की कैश तो हमारी कितनी गई, 25,000 कैश एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, जा रही है ना आपसे कैश, तो आप कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, कितनी अमाउंट के साथ, 25,000 के साथ, कोई मसला नहीं। तो 20 किधर गए, 20 हमने असलम से दिए उधार पे, लाइबिलिटी है, देने ना पैसे उसके, बेटा इसे चेक करें, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, तो इस लाइबिलिटी का नाम क्या है, असलम, असलम के सामने देने, तो असलम अकाउंट में हो गया बेटा, क्रेडिट हो जाएगा 20,000, कोई कंफ्यूजन, दोबारा बोलता हूँ, चीजें खरीदी हैं, डजंट मैटर कितने की खरीदी, कहाँ से खरीदी, इस बात से कंसर्न है कि खरीदी है, डेबिट होनी चाहिए,
हमने कहा कि कितनी चीजें टोटल कितनी आ गई आपके सामने, सामान पड़ा है, वो कहते हैं 45,000। हमने कहा कि परचेज को डेबिट कर दिया 45,000, पैसे सारे दे आए, वो कहते हैं नहीं 25,000 दिया है, असल में 20,000 रुपए देना है। तो जितने पैसे दे दिए उतने पैसों को क्रेडिट कर, मैंने जब दिया 25,000 तो मुझे 25,000 ही क्रेडिट करना चाहिए, क्या क्या है, और 20,000 मैंने भी देना है, वो मेरी क्या बन जाएगी, लाइब्रेरी बन जाएगी। जब तक नहीं दूंगा तब तक क्रेडिट रहेगा, जब दे देंगे तो तब तक खत्म करेंगे। जी कोई कंफ्यूजन जी, अली के आगे चीजें बेची हैं 65,000 रुपए की, अली के आगे हमने चीजें बेची 65,000 रुपए की। जब बच्चे अकाउंटिंग में किसी का नाम आ जाता है उसका मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट है, उधार पे है, ठीक हो गया। उधार पे का मतलब है कैश का ताल्लुक उसके साथ से नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगर हमने किसी जाके 65,000 की चीजें बेची तो इनकम हो रही है, इनकम बढ़े तो चेक करें क्या होती है, क्रेडिट हो रही है। तो सेल्स के चक्कर में इनकम है तो हम सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 65,000 रुपए से। क्वेश्चन ये है कि क्या पैसे आ रहे हैं हमारे पास, अगर तो कैश आते तो हम उसको डेबिट कर देते, कैश तो आई कोई नहीं है, लेकिन अली ने हमारे पैसे देने हैं, उसको तो क्लेम किसका है, हमारा, तो वो हमारा क्या है, एसेट है। जैसे यहाँ पर असल हमारी लाइबिलिटी थी, ऐसे ही यहाँ पर अली हमारा एसेट है, अली अकाउंट जो है उसको डेबिट कर देंगे 65,000। कोई कंफ्यूजन जी, नेक्स्ट असलम को 20,000 रुपया आपने वापस कर दिया, पेड असलम कैश 20,000 देने से आपने दे दिए। अगर आप देते हो दो काम होते हैं, आपका एक एसेट खत्म हो रहा है, जा रहा है, कैश जा रही है ना, लेकिन एक लाइबिलिटी से भी जान जरूर रही है, 20 देना था आप दे दिया। जब लाइबिलिटी बेटा कम होती है, खत्म होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो आप असलम के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, असलम अकाउंट डेबिट 20,000 से और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट 20,000। जो कैश एसेट है वो पहले से काम हो रहा है, नो डाउट काम हो रहा है, लेकिन एक लाइबिलिटी से जान छूट रही है, वो जो लाइबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी, एसेट जो क्या हो जाएगा क्रेडिट। परचेज किया जी फर्नीचर 19,000 का, फर्नीचर मुझे बताया एक्सपेंस है क्या एसेट है, एसेट है, क्यों उसका बेनिफिट जो है वो ओवर द ईयर है। तो बेटा फर्नीचर आपका एसेट है, आपके पास एक एसेट आ रहा है 19,000 का, फर्नीचर अकाउंट का क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, वो जो मर्जी लफ्ज यूज करे, ओके एक टेबल आए थे, चेयर आए थे, ये था वो था, हम एक ही लफ्ज यूज करते हैं फर्नीचर, ठीक हो गया जी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, किस सिलसिले में पैसे दे दिए हैं, तो कैश अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 19,000 के साथ। अगर बच्चे पैसे ना दिए तो लाइबिलिटी बननी थी, उसने बंदे का नाम लिखा हुआ था जो फलाने से खरीदा है, आप उसको मेंशन कर देना था, ये कोई टफ बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत सादा बात है। पैसे दिए हैं तो पैसों को मेंशन करो, पैसे नहीं दिए तो उस बंदे का नाम को मेंशन करो, पैसे मिल गए हैं तो पैसों को मेंशन करो, उसने अभी आपके पैसे नहीं दिए तो उसके नाम को मेंशन करो। ये सीधा सीधा हिसाब किताब है जो आप दुकानदार भी मेंटेन करते हैं, उससे कोई चीज उधार पर लेके जाता है तो उसको दिखता है कि इसने मेरे बिना कोई दिए और फलाने ने, जब कोई दे जाता है तो पटा मार देता है। हमने उसी को जरा सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि दुनिया भर में एक ही सिस्टम के साथ डेबिट होता है, उसी सिस्टम के साथ क्या होता है, क्रेडिट होता है जी। लास्ट एंट्री है कि अली से हमें 65,000 जो है वो 64,000 देना है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है देने जो आपने पैसे थे दिए 64 हैं, मजीद हमें उसमें कुछ नहीं देना। देने कितने थे 65, कितने दे रहे पहले हम ये देखते हैं कि हमें मिल क्या है। बच्चे हमें कैश मिल रही है 64,000, ठीक हो गया, कैश हमारा एसेट है, हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 64,000 के साथ। लेकिन इसके बदले में अली जो है वो पूरे 65 से फारिग हो गए, अली आपका एसेट था क्योंकि उसके ऊपर क्लेम था आपका, अब वो जा रहा है खत्म हो रहा है क्योंकि उसने आपको पैसे दे दिए। अगर इसके बाद आप उसे पैसे मांगने जाएंगे तो नहीं देगा क्योंकि उसने आपको दे दिए हुए। ये एसेट हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एसेट क्रेडिट होगा। अली के अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं 65,000 के साथ, क्योंकि उसने कह दिया आपके बाद ये 65,000 खाता आपका पूरा कर दोगे। अब उलझन क्या है, जितना डेबिट होना चाहिए उतना क्रेडिट होना चाहिए, मिल 64 है, क्लियर हम कितना कर रहे हैं 65, तो इसका मतलब है हमें 1,000 डिस्काउंट देना पड़ रहा है, ठीक है।
ठीक हो गया। इसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट सब तरफ होने, तो डिस्काउंट जो है वो हमें देना पड़ गया आधार पे। आधार पे डिस्काउंट दिया, मैंने आपको उल्टे तरीके से समझाया है कि उधर 65 था या 64 था तो डिफरेंस है वो क्या होगा 1000 का। सादा बात ये है कि आपने उसको आधार पे का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि 64 65 के बदले में 64 दे के आपने फुल सेटलमेंट कर दी। फुल सेटलमेंट का मतलब है फर्दर कोई ट्रांजेक्शन लेन देन इस सिलसिले में नहीं होगा। बच्चे हम जब किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारा खर्चा सादा सी बात है, मुझे 65 मिलना था, मुझे मिले 64 है, इन अ सेंस मेरा आधार पे ले जाके बात समझ आती है। मुझे मिलना कितना था 65, तो मुझे मिला 64 है, मरीज कुछ नहीं मिलना, सादा सी बात है कि इन अ सेंस मेरा आधार पहले ही कहीं ना कहीं लाभ क्या हो गया। तो हम इसलिए उसको क्या बोलते हैं हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस आपको पता है क्या बढ़ता रुकता होते हैं। अगर हमारे जैसे वहां पर एक बंदा था असलम, अगर हम असलम को 20 ना देते 19 देते, एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम उसको 20 ना देते 19 देते तो हमारी कैश कितनी जानी थी 19 जानी थी, तो 1000 का डिस्काउंट हमें मिलना था, बोया किसी ने हमें एक्स्ट्रा आधार दे दिए। हम तो जेब में 20 लेके गए थे उसको 20 पे करने के लिए, लेकिन 19 से काम बन गया तो 1000 तो अपना बन गया, इन सेंस हमने कमा लिया, इनकम बन गई, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। और इनकम जब बढ़ गया तो क्या होती है ब्रैकेट, इन दैट केस यहाँ पे 19,000 और 1,000 आना था जिसने 20,000 सौ दिया।